की हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की आने वाली फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर की शूटिंग के बारे में। अजय देवगन की आने वाली फिल्म एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सूबेदार तानाजी मालुसेर के जीवन पर बनी बायोपिक होगी। इस फिल्म में साल 1670 में हुए सिंहगढ़ के युद्ध को दिखाया जाएगा, यानी कि यह फिल्म 1670 के प्लॉट पर बनी होगी। इस फिल्म का निर्देशन ओम राउत कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग पिछले साल सितंबर माह में शुरू की गई थी। बात करें इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में तो इस फिल्म में काजोल, अजय देवगन, सुनील शेट्टी और सैफ अली खान मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इस फिल्म का क्लाइमैक्स सीन शूट किया जा रहा है, जिसके बाद इस फिल्म को इसी साल 29 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि इस फिल्म के क्लाइमैक्स सीन शूट होने के बाद इस फिल्म के VFX पर काम चलेगा। चूंकि ये फिल्म 1670 के प्लॉट पर बनी है, इसलिए इस फिल्म के VFX काफी जबरदस्त दिखाई देंगे और उन पर काफी दिन काम चलेगा। इसके बाद इस फिल्म को सिनेमाघर में रिलीज किया जाएगा। तो आप अजय देवगन की इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड और आप इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और इस घंटे के आइकन को दबाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाएं।